हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम करियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर इस टाइम हम अपने वाहन को या अपने गाड़ी को बाहर लेके जाते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमें कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन में पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। तो फ्रेंड, पुलिस का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है, क्योंकि उन लोगों का कहना यह है कि आप लोग घर में रहिए। फ्रेंड, ऐसे मुश्किल हालात में हमें घर में भी रहना चाहिए, लेकिन फ्रेंड हम लोग अगर घर में रहते हैं तो खाने पीने का सामान और जो भी सामान है वो कैसे आएगा। तो फ्रेंड, उन सामानों को लेने के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड बेवजह अगर हम सड़क पर निकलते हैं, अगर हमें कोई भी पुलिस वाला अगर पकड़ लेता है, तो अगर उस पुलिस वाले के सामने अगर हम अपनी बात को सही से नहीं कह पाते हैं तो फ्रेंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम बेवजह सड़क पर निकले हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी इमरजेंसी में गए हैं या मेडिकल के लिए गए हैं और कोई भी दवा लेने के लिए गए हैं या आप दूध लेने के लिए गए हैं तो फ्रेंड आपको छूट दे दी जाएगी, लेकिन फ्रेंड अगर आप बेवजह गए हैं, अगर कोई भी काम नहीं है, रोड पे निकल गए हैं, अगर आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस को सही से अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं तो फ्रेंड आपको काफी ज्यादा वहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा कि रोड पे कई सारे पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ ले रहे हैं तो वो लोग तुरंत ही अपनी दवा की पर्ची दिखा दे रहे हैं कि हम दवा लेने जा रहे हैं, तो वो लोग तुरंत ही वहां पे छोड़ दे रहे हैं। अगर वो सब्जी लेकर आ रहे हैं तब भी वो लोग छोड़ दे रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं तब भी वो लोग छोड़ दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड प्रॉब्लम तब हो रही है जब कोई आदमी या लड़का अगर किसी भी कारण को नहीं सही से बता पा रहा है, तो फ्रेंड आपका वहीं पे या तो चालान हो सकता है या उस गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड, दिल्ली में काफी सारी गाड़ियां सीज कर ली गई हैं और बहुत सारे लोगों का चालान भी काटा गया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों का चालान काटा गया है। यदि हम बेवजह अगर सड़क पे निकले हैं तो, अगर किसी काम से निकले हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेंड अगर बेवजह निकले हैं तो काफी ज्यादा चालान भी हमें भरना पड़ सकता है और हमारी गाड़ी सीज भी हो सकती है। फ्रेंड, बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं कि जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है उसे भी सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड आपसे निवेदन है कि अगर आप बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो फ्रेंड आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बेवजह वहां पे पकड़े जाते हैं तो फ्रेंड आपको या तो चालान कट जाएगा, या तो आपका गाड़ी सीज कर लिया जाएगा, या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप इन मामलों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड आप अपने घर पे रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी वजह से या इमरजेंसी में आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप अपनी अगर दवा लेने जा रहे हैं तो आप अपनी दवा की जो पर्ची है उसे साथ में जरूर ले जाएं, नहीं तो आपको काफी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, अगर इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो आप बेवजह सड़क पर ना निकलें, नहीं तो काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।